हेलो एवरीवन, मैं रितु बर्णवाल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैटेगरी रैंक एंड टैक्सा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैटेगरी और रैंक को मैंने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड टैक्सा इज अ रियल वर्ड। ठीक है, ये सही बात है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब काल्पनिक शब्द, कैटेगरी और रैंक को हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ड बोलते हैं। और वो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड कौन कौन से हैं? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये हमारी क्या हो गई? कैटेगरी और रैंक। ओके, और ये बेसिकली ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है इन हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल मतलब हायर कैटेगरी टू लोअर वंस। ठीक है, स्पीसीज, स्पीसीज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें ह्यूमन के क्लासिफिकेशन को बताया गया है कि ह्यूमन में का किंगडम क्या है? एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो एंड स्पीसीज सैपियंस। ठीक है, तो बेसिकली टैक्सा जो हमारे ये कहलाता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड टैक्सा बिकॉज इट इज अ रियल वर्ड। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता है सकता है कि हाईएस्ट कैटेगरी और रैंक हम किसे कहते हैं? तो हाईएस्ट कैटेगरी और रैंक जो होती है वो डोमेन होती है और वो रिप्रेजेंट करती है क्या? लिविंग वर्ल्ड को। ठीक है, और अगर लोएस्ट पूछता है तो दैट इज सब स्पीसीज। स्पीसीज जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीसीज जो है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि स्पीसीज के अंदर इंडिविजुअल्स के में कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको उनको भी डिवाइड करना पड़ता है किसमें? सब स्पीसीज में। ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर अबाउट कैटेगरी, जिसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ऑब्लिगेट एंड इंटरमीडिएट। ऑब्लिगेट कैटेगरी एंड द सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट। ओके, तो कैटेगरी टू टाइप्स में बताया मैंने, ऑब्लिगेट कैटेगरी एंड इंटरमीडिएट कैटेगरी। ऑब्लिगेट कैटेगरी का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है इन क्लासिफिकेशन में, वो 7 है। ठीक है, मैक्सिमम यूज्ड इन क्लासिफिकेशन वो है कौन सी? किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? ऑब्लिगेट कैटेगरी, मतलब ये मैंडेटरी है। ठीक है, और नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कैटेगरी की, तब क्यों ज़रूरत पड़ी? बेसिकली कैटेगरी लेवल पे अगर कोई भी रिमार्केबल डिफरेंस आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इंटरमीडिएट कैटेगरी की ज़रूरत पड़ी। उसमें हम क्या करेंगे? किंगडम को, किंगडम में भी अगर कुछ जो भी प्लांटिक किंगडम है इसमें भी कुछ अगर रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है किसमें? सब किंगडम में। सब में वही है, फाइलम लेवल पे भी अगर, फाइलम कैटेगरी के लेवल पे भी अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं तो उसको सब फाइलम में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए इंटरमीडिएट कैटेगरी की नीड हुई। सो इंटरमीडिएट कैटेगरी आप जान ही गए होंगे आप क्या होगा, सब किंगडम, सब फाइलम, सब क्लास, इंफ्रा ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस एंड सब स्पीसी। सब किंगडम, सब फाइलम, सब क्लास, इंफ्रा ऑर्डर एटसेट्रा। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी मेन कैटेगरी विच इज स्पीसीज। ठीक है, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेन मेन कैटेगरी स्पीसीज।
कैटेगरी, वो कौन सी है स्पीसीज जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है, मेन कैटेगरी दैट इज स्पीसीज। स्पीसीज कॉन्सेप्ट बेसिकली, जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया गया था वो थ्री कॉन्सेप्ट दिए गए थे। पहला था ओल्ड और टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, दूसरा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड तीसरा जीनियोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इसके बारे में बारी बारी ओल्ड और टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये बताया गया कि जितनी भी सिमिलर स्पीसीज हैं वो सभी एक तरह के ही कैरेक्टर को अपने पास रखते हैं, ठीक है। जितनी भी स्पीसीज हैं मतलब ऑल स्पीसीज या सिमिलर स्पीसीज हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। और सेकंड इसने बताया कि जो स्पीसीज होती है वो एक स्टैटिक यूनिट है, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, बिकॉज स्पीसीज इज अ डायनेमिक यूनिट, उसमें हमेशा जो है उसके कैरेक्टर्स में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है पॉइंट, कि सिमिलर स्पीसीज हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स, एंड सेकंड है इस कॉन्सेप्ट के, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि स्पीसीज इज अ स्टैटिक यूनिट, स्टैटिक यूनिट, स्टैटिक मतलब इसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। स्टैटिक यूनिट मीन्स नो चेंज अकर इन कैरेक्टर, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था, रिजेक्टेड बिकॉज जो स्पीसीज होती है इज अ डायनेमिक यूनिट है, इसके कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं टाइम पीरियड के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तब तक आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड गिवन बाय मेयर, ठीक है। सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट गिवन बाय मैन। इसमें भी ये जो मैर थे इन्होंने बताया कि जो सभी स्पीसीज होंगी, ऑल स्पीसीज हैव ऑल सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है, और सिमिलर स्पीसीज हैव ऑल सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड सेकेंड इन्होंने बताया कि स्पीसीज एक स्टैटिक यूनिट नहीं है, जिसकी वजह से जो पिछली कॉन्सेप्ट था, पिछला कॉन्सेप्ट वो रिजेक्ट कर दिया गया। स्पीसीज एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ ये इसी वजह से ये क्या है, वैलिड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कि ये डायनेमिक यूनिट है, इसके कैरेक्टर्स जो हैं कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो यही है थ्योरी। फर्स्ट क्या है इसमें, कि सिमिलर स्पीसीज हैव ऑल सिमिलर कैरेक्टर्स, ओके, एंड द सेकेंड वन इज स्पीसीज इज अ डायनामिक यूनिट, की वजह से ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है। डायनेमिक यूनिट हैविंग कॉन्टिन्यूअस चेंज इन कैरेक्टर, ठीक है। सो ये इनकी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पीसीज के बारे में।
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज. सो चलिए स्पीसीज का डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं. किसे कहते हैं? मैंने जो डेफिनेशन दिया है विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मेयर्स डेफिनेशन अबाउट स्पीसीज. स्पीसीज के बारे में जो डेफिनेशन दी है मेयर ने बताया कि स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन जो नेचुरली इंटरब्रीड कर रही हो एंड शो अ कॉमन जीन पूल एंड जीन फ्लो. अब एक क्वेश्चन आता है, ये दो कीवर्ड्स आ गए, जीन पूल एंड जीन पूल एंड जीन फ्लो. सो मैंने क्या बताया कि एक पॉपुलेशन जो कि नेचुरली इंटरब्रीड कर रही हो और कॉमन जीन पूल एंड जीन फ्लो शो कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज, ठीक है. ये मेयर की मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन है, ठीक है. सो जीन पूल क्या होता है? बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड जीन पूल, ठीक है. एंड जीन फ्लो, एक्सचेंज ऑफ जीन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड जीन फ्लो, ठीक है. तो एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे. स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन शोइंग कॉमन जीन पूल एंड फ्री जीन फ्लो, ठीक है. तो ये डेफिनेशन है, आप इसको लिख लीजिए. नेक्स्ट बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट में ही एक और चीज़ आई जिसको बोला गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. दो नियर स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया गया और जिससे प्रोजेनी जो प्रोड्यूस है वो सभी क्या थी? स्टेराइल थी. बट इसके लिए एक शर्त थी कि जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे होंगी. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक कंट्रोल कंडीशन में मैटिंग कराई जाएगी और उससे जो प्रोड्यूस प्रोजेनी होगी वो क्या हो जाएगी? इकोनॉमिकली यूजफुल रहेगी, बट दे आर ऑल स्टेराइल, ठीक है. सो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि स्टेरिलिटी बेसिकली आईक्यू, ठीक है. तो जो भी टू स्पीसीज थी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे जिसकी वजह से वो टू डिफरेंट स्पीसीज एक्वायर करते हैं. सो दोनों के जो क्रोमोसोम्स होंगे उसमें क्या होती है? बेसिकली पेयरिंग नहीं हो पाती है जिसकी वजह से मियोसिस इंटरप्ट होती है और जो स्पर्म और एग प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? वायबल नहीं होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दे आर ऑल स्टेराइल, ठीक है. सो चलिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं बताऊंगी, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जिसको बोलेंगे. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट इंटर स्पेसिफिक प्रोसेस की वजह से होता है, इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, क्रॉसेस प्रोड्यूस ऑल स्टेराइल प्रोज, ओके. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ वो एग्जांपल्स. फर्स्ट इज म्यूल एंड सेकंड इज हिनी. सो जो म्यूल प्रोड्यूस होता है वो होता है, म्यूल इज प्रोड्यूस्ड, ये म्यूल प्रोजेनी है, ऐसे मैं लिखती हूँ, म्यूल
प्रोजेनी है, ये म्यूल जो हमें प्रोजेनी मिलती है ये किस दो मतलब फीमेल और मेल के मैटिंग के वजह से मिलती है। तो जो म्यूल में मेल यूज़ किया जाता है दैट इज डोंकी, डोंकी क्रॉसेस विथ फीमेल हॉर्स, ठीक है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है म्यूल। नेक्स्ट इज हिन्नी, हिन्नी ये बेसिकली अपोजिट हो जाता है फीमेल डोंकी, सॉरी फीमेल डोंकी क्रॉसेस विथ मेल हॉर्स, इससे क्या प्रोड्यूस होती है हिन्नी। दो तीन और एग्जांपल है जैसे पैंथोपर्ड, ठीक है, पैंथर और लेपर्ड के बीच क्रॉस कराई जाता है, क्रॉस कराने से प्रोड्यूस होता है पैंथोपर्ड। और नेक्स्ट है टिग्लियन, टाइगर एंड लायन के क्रॉस से प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद एक है लाइगर, लायन एंड टाइगर के क्रॉस से प्रोड्यूस होता है। फीमेल पैंथर क्रॉसेस विथ मेल लेपर्ड, से क्या प्रोड्यूस होता है पैंथोपर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है टिग्लियन, टिग्लियन मेल टाइगर एंड फीमेल लायनेस, से क्या प्रोड्यूस होता है टिग्लियन। नेक्स्ट है लाइगर which is produced by male lion crosses with female tiger. So ये जो progenies हैं ये all कैसी होती हैं, sterile होती हैं due to artificial hybridization. Okay? So ये हो गया जो third फिर हमारा है concept that is genealogical species concept. Genealogical species concept, इसको दिया था लॉटसी ने, लॉटसी ये ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं हुआ, इसको ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं किया लोगों ने। क्यों नहीं रिकग्नाइज किया, क्योंकि ये जस्ट एज अ मेयर के कॉन्सेप्ट के जैसा था, इसलिए इसको रिकग्नाइज नहीं किया ज़्यादा गया। इसका बस इतना जानिए जो नॉलेजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कौन दिया, किसने दिया था, लॉटसी। सो आज के लिए इतना ही, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे प्लीज़ कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, इसको लाइक करिए, कोई भी कमी हो या कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो अगर ये आपको पसंद आता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए सो वो आपको मिले। इसी के साथ थैंक यू।